कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे जान से बढ़कर चुनाव। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। सोशल मीडिया पर पंचायत चुनाव को टालने की अफवाह पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव टालने की अपील की थी, बात नहीं बनी। सूबे में एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी का संकट लगातार बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 7 शहरों में कोरोना से हालत बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। मतदान कोविड-19 संबंधित कड़े प्रोटोकॉल के बीच होगा। कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। इस दौरान मतदाताओं को मास्क लगाना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर 6-6 फीट की दूरी पर घेरे बनाने का आदेश जारी कर दिया है और इसका पालन भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जान से बढ़कर है चुनाव। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। देश में जारी कोरोना के महासंकट ने त्राहिमाम मचा दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ओर अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतार है तो दूसरी ओर शमशान घाटों के बाहर भी शवों की कतार है। इन सब के बीच यूपी का पंचायत चुनाव है जो सामने खड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी से त्राही त्राही मची है। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सांसद भी इसे लेकर अलग अलग स्तरों पर आवाज उठाने लगे हैं। कोरोना के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर यूपी शासन को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। इन सब के बीच राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव को 1 महीना आगे टालने की अपील की है। ट्वीट करते हुए लिखा कि लखनऊ में कोरोना कंट्रोल से बाहर है, जान बचाना जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी नहीं है। तो वहीं सांसद की बात को आगे बढ़ाते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव टालने की अपील कर दी है। बता दें, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी राजधानी में चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। पत्र में समस्याएं गिनाते हुए ब्रजेश पाठक ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र किया था। यूपी में जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कोरोना वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरण में होने हैं। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में 18 जिले, दूसरे चरण के मतदान में 20 जिले, तीसरे चरण के मतदान में 20 जिले और चौथे चरण के मतदान में 17 जिले शामिल हैं। पंचायत चुनाव टालने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट इनकार कर चुका है। बढ़ते संक्रमण के चलते प्रत्याशियों को प्रचार में सावधानी बरतनी पड़ रही है। कोरोना के मामलों के बीच योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की थी। ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस के चलते यूपी में पंचायत चुनाव टाले जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो दर्शकों, आपने देखी ये रिपोर्ट। हमने ये रिपोर्ट आपको इसीलिए दिखाई ताकि हम समझा पाएं कि आखिर पंचायत चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से प्रचार हो रहा है,
किस तरह से कोविड महामारी के बीच में ये पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की गई है। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल तीसरे चरण का चुनाव होगा और लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, उनका पालन किया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर ये है, कितने ज़रूरी है ये पंचायत, क्या जनता की जान से बढ़कर है ये चुनाव? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस पर मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। आपका तारीफ करा देती हूँ सबसे पहले, ओंकार नाथ सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। अनीता अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मनोज यादव नेता सपा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनीष हिंदवी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ ML वर्मा चुनाव विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और यहाँ पर अनीता जी से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। अनीता जी आपके पास आऊंगी और पहला सवाल यही होता है, आपसे पहले भी मैंने बात की है तो सवाल सबसे पहले यही आता है, कितना जरूरी है चुनाव, क्या लोगों की जान से बढ़कर है ये पंचायत चुनाव? जी अनीता जी, हेलो जी, अनीता जी आपसे सवाल है मेरा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अनीता जी से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ ओंकार सिंह भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जी आपसे जानना चाहूंगी, पंचायत चुनाव की बात हो रही है लगातार, अब जब पंचायत चुनाव कल होने हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है जिसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है, आपका क्या कहना है? इतनी देर में अपील होती है और ऐसे में जब पंचायत चुनाव कल होने हैं, आज अपील की जाती है, तो क्या इसका कोई औचित्य बनता है? आश्चर्य है कि आज मुख्यमंत्री सोते से जागे हैं, इसके पहले वो नहीं जागे थे, इसके पहले तो बंगाल तक जाके वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे। और जब गवर्नर साहब ने अपने यहाँ मीटिंग कॉल की थी सारे विपक्षी दलों की और सरकार की, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, क्या उस समय मुख्यमंत्री जी को ये बात नहीं ध्यान में आई कि उसी दिन ये मांग की जाए और सब लोग कहें एक सुर से कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए? और चुनाव आयोग क्यों टालने में लगा हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग किस लिए नहीं टालना चाहता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, जब जनता रहेगी तभी तो चुनाव होगा, जब जनता नहीं रहेगी तो चुनाव कैसे होगा? आप बताइए कि 5,000 से ऊपर एक दिन में लखनऊ के अंदर केस हो गए जी। लेकिन ओंकार नाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपने भी तो आवाज नहीं उठाई। सीएम योगी आदित्यनाथ तो मान लीजिए आज उनकी नींद टूटी, आज वो जाग गए, लेकिन आपने भी तो विपक्ष के नाते कभी आवाज नहीं उठाई। आपने क्यों नहीं कभी आवाज उठाई कि जब बच्चों के पेपर टाले जा सकते हैं तो ये पंचायत चुनाव क्यों नहीं टाले जा सकते? अब तो आदेश हो गया है, अब तो हर हालत में चुनाव कल होगा। वही तो बता रहा हूँ आपसे, सुनने की कोशिश कीजिए। आपने बात कर दी, मैं सुन लिया। देखिए, राहुल गांधी जी ने 50 बार कहा भाषण कि भाई आप बार बार बंगाल जा रहे हैं, आप कोरोना देखिए, चुनाव जरूरी नहीं है, 50 बार कहा। लेकिन जब आप नहीं सुन रहे हैं तो कोई क्या करेगा? कार्रवाई तो सरकार को करनी पड़ेगी ना, सरकार को बताना पड़ेगा कि ये इससे भयावहता उत्पन्न हो रही है, सरकार की गलतियां हैं। देखिए, आप हरिद्वार में उन्होंने कुंभ लगा दिया, वहां पे कितना 150 आदमी एक ही दिन में संक्रमित हो गया, और पता नहीं उसके बाद कितने और होंगे भी पता लग जाएगा शाम तक। और तो ये जब चीजें हो रही हैं, इसको सरकार को देखने की आवश्यकता है, उनको कहना चाहिए कि इस समय हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। हाई कोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट एक तरफ तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिन शहरों के अंदर ज्यादा सीरियसनेस है वहां पूरा लॉकडाउन लगा दे, अरे जब लॉकडाउन लग जाएगा तो चुनाव कैसे होगा? और दूसरी तरफ चुनाव को खारिज कर रहा है कि चुनाव नहीं रोके जा सकते हैं। अपना तो क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि नहीं, तुम एक दूसरे के पास जाओ और उसके अंदर भिड़ो। उसके अंदर जी आपकी बात वापस लौट के आती हूँ। अनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अनीता जी, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि अनीता जी की आवाज को एक बार ठीक किया जाए ताकि मैं उनसे सवाल कर पाऊं। अनीता जी, अब मेरा सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजारिश कर ली, गुजारिश खारिज हो गई। सवाल यह है कि कल तो चुनाव होंगे, ना चुनाव आयोग माना ना हाई कोर्ट माना, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये नींद पहले क्यों नहीं टूटी थी? अगर ये नींद 15 दिन पहले, महीना भर पहले टूटी होती तो शायद कुछ होता।
आज या कल इस बारे में बात करने का क्या उचित रह जाता है? देखिए ऐसा है, पहले ये जो कोरोना है इधर काफी तेजी से बढ़ा है, उससे पहले नहीं था इतना, कोरोना की तेजी से ही थी ये, इधर एक हफ्ते से बहुत तेजी से बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी मान जी अनीता जी है। जी नहीं जी अनीता जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक हफ्ते में नहीं बढ़ा है, मैं दो महीने से खबरें पढ़ रही हूँ जी। नहीं प्रियंका जी, आपकी बात मैं माने, दो महीने से है लेकिन बहुत तेजी जो आई है वो इधर 8-10 दिन से आई है, इतनी तेजी भयंकर से अभी आई है, उससे पहले 2 महीने से था कोरोना आया था, ये तो साल भर से आ रहा है, हम तो कह रहे 1 साल हो गया इसको, लेकिन इतनी तेजी से नहीं था जितनी तेजी इधर 8-10 दिन में आई है। लेकिन मैं इसे बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि हाँ इसको चुनाव को रोक देना चाहिए पब्लिक जन, लेकिन अब चुनाव आयोग हाईकोर्ट दोनों ही इसको नहीं रोकना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये, उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, इसको अनीता जी अनीता जी डाल सकते हैं। अनीता जी एक बात मानेंगी आप, अनीता जी एक बात मानेंगी आप, आपके पास रिसर्च की टीम होती है, केंद्र का बजट होता है, राज्य का बजट होता है, कोविड के लिए कुछ बजट है उत्तर प्रदेश सरकार में कि नहीं है? देखिए कोविड के लिए पूरा सब कुछ बचा तो है, रिसर्च जो रिसर्च का जो बजट होता है वो रिसर्च में जो अधिकारी बैठते हैं वो क्या काम करते हैं, आपको जानकारी नहीं मिलती कि सेकेंड वेव आने वाली है? देखिए जानकारी पूरी थी और इसको कहा भी गया था, हाईकोर्ट में भी इसलिए अपील की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट भी इसको मना कर रहा है, चुनाव आयोग भी मना कर रहा है, बाकी आप ये बताइए तो अलग संवैधानिक व्यवस्था है ना चुनाव आयोग की, लेकिन सीबीएसई के एग्जाम तो सीबीएसई के एग्जाम तो कैंसिल हो गए, तो बच्चों का भविष्य तो साल भर के लिए टाला जा सकता है लेकिन सत्ता के गलियारों में इधर उधर नहीं किया जा सकता। देखिए मेरी बात सुनिए, सीबीएसई बोर्ड बच्चों का भविष्य का सवाल है और सबसे बात है इसके लिए मांग की गई अभिभावकों की तरफ से, आप हमारी जनता की तरफ से मांग है, चुनाव आयोग इसको नहीं मान रहा है, तो चुनाव आयोग अलग होकर राजनीतिक दल से अलग है चुनाव आयोग, आप भी जानती हम भी जानते हैं, उसमें कोई प्रेशर नहीं चलता ना मुख्यमंत्री का ना किसी का, वो अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है, वो अपनी उस संवैधानिक व्यवस्था से कार्य कर रहा है, ये पब्लिक की ओपिनियन। अनीता जी प्रेशर नहीं चलता अगर आप अकेले खड़े हैं, प्रेशर चल सकता था अगर आपके साथ 4 दल और मिलकर आए होते, ये अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतवर्ष में चल रही है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। प्रियंका जी आप अच्छे से जानती है विपक्षी केवल विरोध करना जानते हैं, सहयोग करना नहीं जानते हैं, इन्होंने आज तक किसी एक में भी सहयोग जी अनीता जी हाँ आपके पास वापस लौट के आऊंगी, आपके पास वापस लौट के आऊंगी, मनोज जी से ही जान लेते हैं, हमेशा हर चीज में विरोध करना है जी जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी अनीता जी, मुझे खत्म करके सहयोग करें अनीता जी आपके पास आऊंगी वापस लौट के, मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं सपा नेता है जी, मनोज जी यहाँ पर अनीता जी तो साफ कह रही है और मेरा भी साफ कहना है, अगर सब लोग मिलकर गए होते चुनाव आयोग के पास में तो कहीं ना कहीं कुछ दबाव बनता और कुछ सोचा जा सकता था, क्यों नहीं आपने पहल की? शायद अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, वापस आऊंगी मैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, एमएल वर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे मैं जानना चाहूंगी, वर्मा जी यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है, राजनीतिक पार्टियां हैं जिस तरह की रिपोर्ट हमने दिखाई अपने तमाम दर्शकों को दिखाई है, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम टाल दिए गए हैं, 1 साल बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो गया है, जो बच्चे 2021 में 12वीं पास करने वाले थे वो अब उनका पता नहीं कब समय आएगा पता नहीं है, 10वीं पास करने वाले थे वो भी वेट करेंगे क्योंकि 10वीं 12वीं में आप प्रमोट तो नहीं कर सकते, तो बच्चों का भविष्य 1 साल के लिए टाल दिया गया। शादियों की आप बात करते हैं तो लोगों की जिंदगी में एक बार आती है शादी, कहीं बोला जा रहा है 10 लोगों में कर लो, कहीं बोला जा रहा है कि दिन में कर लो, कहीं बोला जा रहा है बारात नहीं आएगी, कहीं बोला जा रहा है बैंड बंद है, वो सब भी हो रहा है, तो ये सब तो जाने दीजिए लेकिन चुनाव नहीं टाले जा सकते, बताइए क्या कहना है आपका? देखिए मैडम कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से चुनाव आयोग निश्चित रूप से, अनीता जी भी कह रही थी एक स्वतंत्र बॉडी है जी, और प्रशासनिक व्यवस्था में जहाँ पर एजुकेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो प्रशासन के परिधि में आते हैं जी, पर चुनाव आयोग परिधि में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव आयोग को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भयंकर स्थिति आ जाएगी जी। क्योंकि पहले 20 तारीख को नोटिफिकेशन होना था 20 फरवरी को, इसके बाद में फिर 26 फरवरी को हाईकोर्ट के बाद में आदेश हुआ नोटिफिकेशन हुआ, तब तक की स्थिति नहीं बढ़ी थी जी। काश अगर चुनाव आयोग में भी ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग के लोग भी जो हैं उनको भी सब कुछ दिखाई पड़ता है
और तमाम सी स्थितियां परिस्थितियां जिससे वो परिचित हैं, जिसके अच्छाई और बुराई पर मैं नहीं जाना चाहता, पर ये जो आज का मुद्दा है कि क्या चुनाव टाल देना चाहिए ऐसी स्थिति में, निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति आ गई है, हो सकता है कि कल, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कल का चुनाव भले हो जाए, अगर यही स्थिति बनी रही जो लखनऊ और बड़े शहरों की दिखाई पड़ती सुनाई पड़ती, तो हो सकता है चुनाव टालना पड़ जाएगा। और सामाजिक काज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक कहावत है शुरू से जी, माफ कर जी, तो माफ कीजिएगा वर्मा जी, लेकिन वो स्थिति बनी बन चुकी है, वो स्थिति बनने का समय अब आएगा की बात हम नहीं कर सकते, भविष्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्थिति बन चुकी है। ऐसे में क्या करना चाहिए था, क्या जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने या हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, क्या आपको जायज लगता है ये? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो परिस्थिति बन गई है उसमें मुख्यमंत्री जी को, विपक्षी पार्टियों को और प्रशासन को और चुनाव आयोग को, सभी को मिल करके इसके बाद में सामाजिक काज के लिए एक बेहतर निर्णय लेने की ज़रूरत है। हो सकता है चूँकि पहले का प्री शेड्यूल था जो 15 तारीख का चुनाव होना है, तो उस प्री शेड्यूल को या तो रात में डिसाइड करें और इसके बाद में उसको कैंसिल करें, नहीं तो वो उस प्री शेड्यूल को पूरा करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि 29 तारीख तक होना है, और 29 तारीख की स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में लखनऊ में हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दवाएँ नहीं हैं, मेडिकल स्टोर्स पर भी दवाएँ नहीं मिलती हैं। अभी पता लगा कि हम लोग कहीं, किसी ने बताया कोरोना ले लीजिए दुकान पे, कई दुकान ढूंढा नहीं मिले। तो इस स्थिति में बदला जा सकता है, चुनाव टाला जा सकता है, और मुझे लगता है कि सामाजिक काज के लिए इमीडिएट मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को और चुनाव आयोग को, सबको मिल करके इसके बाद बैठक करके और बेहतर निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बेटर होगा। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। हमारे साथ इमरान लतीफ, प्रदेश उपाध्यक्ष, आप भी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा इमरान जी, यहाँ पर सवाल यही है कि आपने तैयारी कर ली होगी पंचायत चुनाव की, यकीनन किसी ना किसी को सपोर्ट ज़रूर कर रहे होंगे, क्या अगर इस तरह की स्थिति थी तो आपको आगे नहीं आना चाहिए था, क्या आपको किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए थी? सीएम योगी आदित्यनाथ तो सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, राय मांग रहे थे लोगों से कि क्या ऐसी राय हो सकती है कि हम लगाम लगाएं, तो ये राय क्यों नहीं दी गई तो कि पंचायत चुनाव को रोका जाए, कुछ समय बाद भी हो सकते हैं ये चुनाव? जी जी इमरान लतीफ जी, फिर से आप अपना सवाल रिपीट। इमरान लतीफ जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की स्थितियां हैं वो हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप एक विपक्ष के नाते आप तमाम जगहों पर बात करते हैं कि दिल्ली जैसा मॉडल ले आएंगे, पंजाब में बात करते हैं, कहीं भी चुनाव होता है, उत्तराखंड में बात होती है तो होता है कि दिल्ली जैसा मॉडल लाएंगे, अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यूपी में आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह क्यों नहीं दी कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं? देखिए, अभी परसों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता बुलाकर बाकायदा इस जो इसकी गंभीरता को इंगित करने का काम किया था, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से अपील भी की थी, चुनाव आयोग से अपील की थी कि इस पर त्वरित निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैलती जा रही है, उन्होंने बिल्कुल मांग की थी पार्टी की तरफ से कि पंचायत चुनाव को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए। और लेकिन यहाँ देखा क्या जाना कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मामला है, उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखता है, उनको जनता की जान की कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ चुनाव दिख रहा है। चाहे बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं कि बंगाल में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से सक्रिय हैं चुनाव प्रचार के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है अस्पतालों को, अस्पतालों में। अनीता जी मेरी बात सुनिए मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका मिलेगा। इमरान जी को अपनी बात पहले खत्म करने दीजिए। कोरोना की गंभीरता को लेके, कोरोना जितना खतरनाक है,
इसकी गंभीरता को बिल्कुल दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं बंगाल के अंदर। तो जहां उनको वेंटिलेटर्स का इंतजाम करना चाहिए, जहां उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि बेडों की संख्या कैसी बढ़ाई जाए, कैसे कोरोना के साथ लड़ा जाए। पिछले एक साल से हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा और इस बार फिर से हम देख रहे हैं, एक साल पूरा होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जब महामारी फैलती है, जब केसेस ज्यादा आने शुरू होते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो बिल्कुल से असहाय नजर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी मैं। अनीता जी मेरा सवाल, पहले मेरा सवाल सुनिए अनीता जी। बंगाल में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ममता दीदी का नाम लेकर खेला होबे कर रहे हैं, तो यूपी में पंचायत चुनाव टालने की बात क्यों हो रही है? बंगाल के चुनाव तो और बड़े, जब बंगाल में चुनाव हो सकते तो यूपी में क्यों नहीं हो सकते? देखिए बंगाल में सारी पार्टियां लगी हुई है, ऐसा नहीं खाली बीजेपी लगी है। अभी मैं इनको एक जवाब देना चाहती हूँ, दिल्ली में इनकी सरकार है, दिल्ली में इतना बढ़ गया है कोरोना, उसमें इतनी कम जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या होने के नाते योगी जी ने काफी संभाला का। उसके बाद आप इस तरह की क्या संभाला है अनीता जी? संभाला तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं अनीता जी, गलत बोल रही हैं आप। संभाला तो कुछ नहीं, संभाला होता तो आज ये स्थिति ना होती जी। आज देखिए कोविड हॉस्पिटल उन्होंने सब जगह बना दिए, हर जगह कोविड हॉस्पिटल बने, सारी व्यवस्था कायम की हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश को और प्रदेशों से तुलना की जाए तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, बाकी प्रदेशों में आप देखिए क्या हालत है। यहाँ उत्तर प्रदेश फिर भी सबसे बेटर जी। आपके पास आती हूँ वापस लौट के, मनीष हिंदवी राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ बैठे हैं, इनसे भी राय लेंगे। सबसे पहले मनीष जी क्या कहना है आपका, आपसे जानना चाहूंगी क्या पंचायत चुनाव रद्द हो सकते थे? एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा आपने करी, बात उठाई आपने, उसको शायद उस पर बहुत जवाब नहीं आ पाए, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। शुरुआती दौर में आपने कहा कि क्या सरकार के पास रिसर्च विंग नहीं है, क्या ये कहीं पढ़ा लिखा नहीं गया कि किस तरीके से केसेस बढ़ेंगे? आखिर ये एसेस करने का काम जनता का नहीं, सरकारों का है, और अगर हम आने वाली विपदा के लिए तैयार नहीं है तो इसको भी प्रशासनिक फेलियर माना जाना चाहिए। अक्टूबर मिड से ही पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आनी शुरू हो गई थी, यूरोप में, अमेरिका में, दिसंबर में, अफ्रीका में। तो अगर पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आ रही थी तो हमने ये कैसे सोच लिया या मान लिया था कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव नहीं आई? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बजट, केंद्र का बजट जब आया है तो निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़ा बजट दिया है कोविड को लेकर। तो पहली बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि उसके बाद भी अगर मान लेते हैं कि चलिए अगर आप सेकेंड वेव के बारे में असेसमेंट नहीं कर पाए, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा नहीं काम कर रहा था, दूसरी बात मार्च के पहले सप्ताह से ही केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे और 20 मार्च तक आते आते अगल बगल मृत्यु और तमाम केसेस का बढ़ना शुरू हो गया था, और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये देख लेना आसान हो गया था कि अब ये चीजें भयावह की तरफ बढ़ रही हैं। उसके बाद भी आप देखिए कैसे नीतियों में कमी थी, हमने होली पर कोई रोक नहीं लगाई, होली खुलकर खेली गई, तमाम उसमें केसेस तमाम तो होली में बढ़ गए और वहां पर हम नियंत्रण नहीं लगा पाए, जबकि डायरेक्टिव्स थे कि खूब जमकर होली खेली जाए और इंस्टीट्यूशंस में तमाम जगहों पर भीड़ भड़का लगा था, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाए, उसकी वजह से काफी बढ़े केसेस। उसके अलावा आज हम जब चुनाव टालने की बात कर रहे हैं तो वहां तो चुनाव सब एकदम सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया, चुनाव आयोग के लिए भी असहज वाली स्थिति हो गई, यही बात 15-20 दिन पहले क्यों नहीं हुई? और प्रियंका जी आपको बताऊं कि ना भाजपा ना किसी भी राजनीतिक दल ने इस बात का विरोध कभी नहीं किया खुलकर कि चुनाव पंचायत के ना हो, कोई ये नहीं कह सकता जी, बिल्कुल इसके बारे में सोचा भी नहीं गया। हम बंगाल की बात कर ले, हम पुडुचेरी की बात कर ले, हम असम की बात कर ले, हर दिन धड़ल्ले से वहां प्रचार के लिए नेता जा रहे थे, तो जब वहां बड़े बड़े चुनाव हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव तो काफी छोटे स्तर के चुनाव हैं। इतनी भयावह है, लखनऊ में हम सब रहकर देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं, ना टेस्ट हो पा रहे हैं, ना बेड मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, मतलब एकदम सिस्टम क्रम्बल, टूट गया है, बिखर गया है एकदम सिस्टम, और इस सिस्टम में हम लगातार वो काम करते रहे जिससे भीड़ हो रही है, जिससे कोरोना मास के रूप में फैल रहा है एकदम, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी। कोई राय नहीं देनी है, ये जनता भी देख रही है। अनीता जी अगला सवाल मेरा ये है, अनीता जी पहले मेरी बात सुन लीजिए
सीबीएसई को लेकर आज फैसला आ चुका है, 10वीं और 12वीं के जो परीक्षाएं थी उनको रद्द कर दिया गया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है, साल भर बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा अहमियत रखता है, ये हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ाई करके यहाँ आगे आए हैं, हमें पता है कि साल भर बच्चा पढ़ाई करता है, अगर एक साल रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चा पीछे हो जाएगा, नौकरी में पीछे रहेगा। पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको मौका दूंगी, अनिता जी मौका दूंगी, पहले मेरी बात सुनिए। जब बच्चों का एक साल खराब हो सकता है तो क्या 6 महीने लेट नहीं हो सकता चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव 6 महीने लेट हो सकता है, 1 साल भी लेट। मैंने कहा चुनाव एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है, और जहां तक एग्जाम की बात है, एग्जाम के लिए सारे अभिभावकों ने इसके लिए मना किया, उनके पेरेंट्स से अलावा नहीं मान रहे थे, और जब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो हमने पेरेंट्स की बात को मान, पेरेंट्स तो तैयार है। आपने देखा कभी अभिभावकों ने कितने लेटर लिखे, कितना प्रभाव किया, और सब विपक्ष के दलों ने भी, आप पार्टी ने भी कहा कि चुनाव परीक्षा टाल देनी चाहिए, जब सबकी सर्वसम्मत हुई उसके बाद टाला गया, लेकिन इस चुनाव में किसी की सर्वसम्मत नहीं हुआ और किसी ने सहयोग नहीं किया, और सब चुनाव आयोग एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है, और जो हाईकोर्ट है वो अलग व्यवस्था कह रहे हैं कि नहीं चुनाव होने चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई सरकार का प्रभाव नहीं चलता चुनाव के अंदर, ये आप भी जानती है और हम भी जानते हैं, इसलिए आप इस इसको समझने के जनता को भी समझे, आपको भी हमको भी इसको समझना पड़ेगा जी। इस पर भी बात कर लेते हैं। एमएल वर्मा जी हमारे साथ चुनाव विशेषज्ञ हैं। वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है, क्या इस तरह की कभी कोई स्थिति हुई है जब कभी कोई चुनाव टाले गए हों? मैं आपसे जानना चाहूंगी जानकारी के तौर पर। अनेकों स्थिति आई है, कई बार चुनाव टाले गए हैं, किसी विषम परिस्थिति में चुनाव टालना कोई वो नहीं है कि न टाला जा सके, पर इसके टेक्निकल स्थिति को समझने की जरूर जरूरत है जी। जब आप बंगाल के चुनाव की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। क्योंकि वो केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, और हर स्टेट की राज्य चुनाव आयोग हैं जी। तो राज्य वाले चुनाव आयोग अपने राज्य के चुनाव की व्यवस्था करते हैं जी। तो जब बंगाल की बात आती है तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसकी डेट को पहले से डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है, गाइडलाइंस क्या एक ही होती हैं राज्य की और केंद्र की, या गाइडलाइंस भी अलग अलग होती हैं? गाइडलाइंस अलग हो जाती हैं, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है गाइडलाइंस में, राज्य वाले में उनके अगर देश में आपत्ति हो तो केंद्र में चुनाव हो सकते हैं और पंचायत चुनाव रद्द हो सकते हैं, क्या ऐसा नहीं है? देखिए, विषम परिस्थिति में तो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सबको एक सामाजिक काज के हिसाब से और उसकी दृष्टि से उसकी सुविधा के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा, और वो अचानक भी लिया जा सकता है, कोई भी परिस्थिति कभी भी घटित हो सकती है, तो किसी ने देखा नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। पर वर्तमान परिस्थिति जो दिखाई पड़ती है इस समय, तो राज्य सरकार भी असमंजस में है कि वो क्या करे, क्योंकि जब डेट घोषित हुआ, पहले भी से डेट डिसाइड हुए, नोटिफिकेशन हुआ, और जिन पार्टियों की बात है हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भाजपा खाली पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी दूसरी पार्टी नहीं कर रही जी, है, लोगों ने कांग्रेस भी है जी। सब लोगों ने अपने समर्थित कैंडिडेट उतारे हैं, ये जरूर है कि धरातल के स्तर पर भाजपा बहुत आगे है, तो उसने धरातल स्तर पर उसके प्रत्याशी ज्यादा है, और इन लोगों ने काम नहीं किया, धरातल स्तर पे उनके प्रत्याशी नहीं है तो कम है, तो इसलिए दूसरा उनकी एक आदत बन गई है। अदरवाइज प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अगर शासन को निर्णय लेना है, व्यवस्था करनी है, तो उसको वर्तमान परिस्थिति को देख करके करना पड़ेगा। हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, आज की स्थिति को देख करके 15 तारीख का चुनाव हो जाए, और हो सकता है डेट बढ़ाई जाए जी। अच्छा, दूसरा न्यायालय की बात करते हैं तो न्यायालय हमेशा नियमों के आधार पर निर्णय देता है जी। वो किसी सामाजिक काज के लिए निर्णय नहीं देता, वो तो कहता है ये शासन की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था, इसलिए प्रशासन उस पर निर्णय ले जी। तो ये निर्णय तो प्रदेश सरकार को लेना है जी। और प्रदेश सरकार राज्य जो आयोग है जी, चुनाव आयोग है, उससे कहे और उससे कहे कि भाई ये व्यवस्था को इसको इसकी डेट को टाला जा सकता है जी, बिल्कुल। और पहले से भी होता आ रहा है, कई बार चुनाव निरस्त हुए इसके बाद में दूसरी डेट घोषित होती है जी। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे वर्मा जी, यहाँ पर इशारा मिल रहा है मुझे, छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी, और अपने तमाम दर्शकों को एक बार मैं जानकारी के तौर पर ये बता देना चाहूंगी कि हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, माननीय
कोर्ट पर हमें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं जनता की जान की, और कोविड जैसी जो स्थिति भारतवर्ष के सामने खड़ी हुई है उससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में हमारा कार्यक्रम है और इसी को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि माननीय हाईकोर्ट ने एक तरफ यूपी सरकार को फटकार लगाई है कि लॉकडाउन की आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे, आपको 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना चाहिए, ये सलाह दी है, फटकार भी लगाई है। दूसरी तरफ जब यूपी सरकार ने खुद अपील की है या खुद गुजारिश की है कि चुनाव रद्द किए जाए तो वहां पर खारिज कर दिया गया है। दो तरफा बातें यहां पर सामने साफ साफ नजर आ रही हैं। मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी पर उंगली नहीं उठा रही हूं, मेरा एक सवाल है, मैं अपना सवाल रखना चाहती हूं और देखना यह होगा कि अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस पर क्या सोचते हैं। चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे तो देखेंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं हमारे साथ, हमारे साथ पार्टी के नेता भी हैं, भाजपा के नेता हैं, सपा के नेता हैं, और साथ ही साथ चुनाव विश्लेषक भी है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता था और क्या हो रहा है, क्यों नहीं बचाई जा रही लोगों की जान। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होने हैं, 2 चरण के चुनाव पहले ही हो चुके हैं, 3रे चरण का चुनाव होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी ये कि चुनाव टाल दिए जाएं, लेकिन खारिज हो गई है अपील माननीय कोर्ट से भी, साथ ही चुनाव आयोग ने भी इस अपील को खारिज कर दिया है। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि जब शादियाँ टाली जा सकती हैं, CBSE के एग्जाम टाले जा सकते हैं, तो चुनाव क्यों नहीं टाले जा सकते? बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि जिस तरह की स्थिति आज हम झेल रहे हैं, ये स्थिति रोज नहीं आती है। पिछली स्थिति की यदि हम बात करें तो पिछली स्थिति में 100 साल पहले स्पैनिश फीवर आया था, उसके बीच में जितनी भी बीमारियां आई हैं हम निपटे हैं कहीं ना कहीं, चाहे पोलियो की बात हो, चाहे एड्स की बात हो, चाहे इस तरह की तमाम बीमारियों की बात हो, पर इस तरह की महामारी कभी नहीं आई। ये पहली बार का समय है जो हम सब अपनी आंखों के सामने से देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि जब स्थिति ऐसी है, नई है, जो किसी ने देखी नहीं है, केवल हमारा पिछले साल का अनुभव है, तो ऐसे में हमें कुछ रिसर्च करना चाहिए, कुछ अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए,
कुछ जो इस समय स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से फैसले लेने चाहिए, लेकिन ये फैसले नहीं लिए गए। यही हमारा सवाल है, इस पर क्या फैसला लिया जाना चाहिए था कि लोगों की जान बचाई जा सकती और लोगों को खतरे के गड्ढे में ना डाला जाता। चर्चा करें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम गेस्ट का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ओंकार नाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। ओंकार नाथ जी, यहाँ पर सवाल एक बार फिर से यही है, मैं यही कह रही हूँ लगातार कि जब बच्चों के एग्ज़ाम टाले जा सकते हैं, शादियों के लिए गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं, तो यदि एक साथ मिलकर कोशिश की गई होती तो शायद आज हम कहीं ना कहीं स्थिति को काबू में करने के लिए कोई पहल कर सकते थे जो नहीं की गई। अभी जो आप चर्चा कर रही थी और जिसमें कह दिए कि इलेक्शन टाले जा सकते हैं कि नहीं टाले जा सकते हैं, ऐसा कोई उदाहरण है तो आपको याद दिला दें, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो साउथ में इलेक्शन नहीं हुए थे और फिर वो इलेक्शन कम से कम 15-20 दिन की टाल दिए गए थे जी। उसके बाद जब उनकी 13वीं हो गई थी, कार्यक्रम हो गया था, वहाँ शांति हो गई, तब फिर दोबारा वोटिंग प्रक्रिया चालू हुई और तब चुनाव हुए। तो ये कोई वो नहीं है। देखिए शासन को यहाँ पर तो मेरी बात जो मैं कह रही हूँ बात बिल्कुल सही हो सकती है कि जब एक बार ये इतिहास में हो चुका है तो आज क्या परेशानी है। देखिए ये शासन की दृढ़ता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक भी विपक्षी दल की बैठक नहीं। अनिता जी मैं आपके पास जी। ओमकार जी अपनी बात पूरी करिए आप। एक भी विपक्षी दल की बैठक नहीं बुलाई, इसकी शुरुआत किसने की? राज्यपाल महोदय ने की। तो जब राज्यपाल जी कर रही है और मुख्यमंत्री खुद उसमें पार्टिसिपेंट है तो मुख्यमंत्री दूसरों से क्या सहयोग मांगेंगे? नंबर एक, मुख्यमंत्री को खुद बनाना चाहिए था। आज उनको खुद भी वो संक्रमित हो गए बेचारे। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी वो ठीक हो ताकि प्रदेश में काम सुचारू रूप से चल सके। जी बिल्कुल, प्रार्थना भी कर रहे हैं जी। एक चीज जानिए कि अगर मुख्यमंत्री जी तय कर लेते कि भाई चुनाव हम नहीं करा सकते हैं तो आपको एक उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था बनारस के अंदर जी, और जी। बनारस में कब्रिस्तान का मामला था, शिया और सुन्नी की कब्रों जी, का। लेकिन ओंकार जी ये सलाह आपने सीएम को पहले क्यों नहीं दी? आपकी तो बात होती है वो राय लेने के लिए तैयार रहते हैं, एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। मेरी बात सुनिए तो जी। और डीएस बग्गा जी कमिश्नर थे, डीएस बग्गा जी जब कमिश्नर थे तो उनके समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, कुछ कब्रिस्तान का मामला था शिया और सुन्नी की कब्रों का, कि शिया की जो कब्रें थी उसको सुन्नी कहते थे ये हमारी है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो शिया की कब्रें हैं उनको निकाल के जज बॉडीज को सुन्नी वाले में डाल दिया जाए और सुन्नी वाले को निकाल के शिया वाले में डाल दिया जाए। बग्गा साहब ने सीधे सीधे कह दिया, बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए यूपी के, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ना तो हमारी पोजीशन है कि हम करा पाएंगे ना हमारा प्रशासन करा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी निगरानी में कराना चाहे तो करा ले और शांति होगी बात। ठीक है। ओंकार जी आती हूँ। अनिता जी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो तब ये उसमें शामिल नहीं होते ना कोई राय देते हैं। विपक्ष ने तो एक अपना नेचर बना लिया है कि जो भी सरकार करेगी हमें उसका विरोध ही करना है। अगर हम चुनाव नहीं करा रहे थे तो इन्होंने कहा चुनाव बहुत लेट हो रहे हैं, चुनाव नहीं करा रही है, भारतीय जनता पार्टी डर रही है, सरकार डर रही है चुनाव कराने से। आपको मालूम है कि पंचायत के चुनाव काफी लेट हो रहे हैं, तब इन लोग का ये उपनयन की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है जब हमने चुनाव के लिए कर। लेकिन अनिता जी आपको नहीं लगता कि प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है? कहीं प्लानिंग की कमी नहीं रह गई है, चुनाव आयोग अलग संवैधानिक व्यवस्था है, मैंने आपसे अभी इसी की बात कही है जी। जी आप मेरा जी जी प्लानिंग की कमी चुनाव आयोग को लेकर नहीं कह रही हूँ मैं, प्लानिंग की कमी मैं इस बात को कह रही हूँ कि कोविड की जब सेकेंड वेव आने वाली थी स्थिति कहीं ना कहीं अगर प्लानिंग की जाती है, सरकारों की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, अधिकारियों की बात होती है, हम अपने घर का बजट भी बनाते हैं अनिता जी, तो मैं अपने घर का 3 महीने का बजट बना के चलती हूँ कि अगर इस महीने में इतना नहीं हुआ तो मैं अगले महीने क्या करूंगी। तो क्या सरकार कोई प्लानिंग नहीं करती? जी नहीं, पूरी तरह से सरकार की प्लानिंग थी, ऐसा नहीं कि सरकार प्लानिंग नहीं करती। आज भी देखिए कोविड हॉस्पिटल हर जगह बना दिए गए हैं, सब जगह व्यवस्था कर दी गई, ऐसा नहीं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और वो सबसे कम जनसंख्या है दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, वहाँ देखिए क्या हालत हो रही है, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए वहाँ के आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या होने के नाते मुख्यमंत्री जी जितना संभाला है और प्रदेशों से अगर आप तुलना करिए तो
तो उस तरह से हमारे मुख्यमंत्री नंबर एक पे है इनकम व्यवस्था संभालने के लिए। आज छत्तीसगढ़ का मैं आपको जी 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 ये आंकड़े हम फिर कभी गिन लेंगे। आज की स्थिति में हमें जान बचानी है लोगों की। मैं खुद आपको बताऊं, मैं गर्म पानी पी के ये प्रोग्राम कर रही हूँ आज की स्थिति में। देखिए कोरोना के साथ तो जीना पड़ेगा और मजबूत होकर जीना पड़ेगा, हमें अपनी सेफ्टी भी करके चलनी पड़ेगी, लेकिन लापरवाही जनता की तरफ से भी बहुत। ठीक है ठीक है, आपके पास आती हूँ। अनिल झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। अनिल झा जी से यहाँ पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अनिल जी, आपसे मेरा सवाल है, पंचायत चुनाव को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, साथ ही चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि चुनाव तो होंगे हर हालत में। सीएम ने अपील की थी, उस अपील को खारिज कर दिया गया है। सांसद कौशल किशोर जी खुद भी कोविड पॉजिटिव हैं, हम संवेदनाएं रखते हैं उनके प्रति, उन्होंने सलाह दी थी, उनकी सलाह पर सरकार आगे बढ़ी थी, लेकिन अब खारिज हो गई है। बड़ा सवाल एक बार यही है कि चुनाव बड़ा या लोगों की जान। देखिए प्रियंका जी, इस समय जो स्थिति है देश और प्रदेश के अंदर, उसमें चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है, लोगों की सरकार के लिए जरूरी नहीं है। लोग होते हैं तो हिंदुस्तान का ऐसा ही बचेगा, आप भारतीय जनता मोदी सत्ता प्राप्त हैं। अब तो हो गई, आने वाले समय में देखिएगा ये जिला पंचायत चुनाव में, अगर बंगाल का चुनाव नहीं होता तो ये जिला पंचायत उत्तर पंचायत चुनाव आसन दे रहे होते जाके। तो सवाल यहाँ पे ये है, सरकार की ना खत्म हो जाए, सरकार भवन के हवाले उत्तर प्रदेश के जनता को, जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटें दी उसके हवाले डाले छोड़ रखा, बेचारे डॉक्टर क्या अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा कर रहे हैं, उनको सारी व्यवस्था ही नहीं प्राप्त है, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पत्र यहाँ जो प्रवक्ता है उनको बता दी जाती है, और सुबह से शाम तक चैनल पे बैठ के अपने जो ऊपर के लोग हैं उनके प्रवचन में उनके कसीदे गढ़ते रहते हैं, इसके अलावा उनको मतलब नहीं है। अनिता जी कह रही है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, अरे भाई कोरोना के साथ क्यों जीना पड़ेगा, क्या इसीलिए आपको लोगों ने थोपी थी के साथ जीना पड़ेगा, शर्म नहीं आ रही आपको बोलने में, यहाँ बैठ के भाषण दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुछ चल नहीं रहा है प्रियंका जी, मैं बड़े आज आपके चैनल पे बड़े स्पष्ट और दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री। लेकिन अनिल जी सवाल यहाँ पर यही होता है, आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, आप सलाह तो दे सकते हैं, आप सलाह यहाँ चैनल पे दे रहे हैं, आपने विपक्ष के नाते आपने उन्हें सलाह क्यों नहीं दी। प्रियंका जी, आपने अगर मुझसे पूछा, मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्षियों को बुला के एक बार बात करते तो अपनी अपनी राय रखते, आपको पता है कि 6.5-7 साल से इस देश में, लेकिन उन्होंने तो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, 6.5-7 साल से इस देश में किया गया कि सरकार के खिलाफ जारी होगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाएगा, जी। अनिल जी यहाँ पर सपा सुप्रीमो की यदि हम बात करें, अखिलेश यादव जी की यदि हम बात करें, तो उन्होंने कहा कि तो भाजपा की वैक्सीन है, आज वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर से कामना करूंगी जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन क्या वैक्सीनेशन अगर होगा उन्हें जरूरत पड़ेगी तो नहीं लगवाएंगे। अनिल झा जी से शायद संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हेलो जी अनिल जी, बताइए, खुद अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव हुए, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। हेलो जी अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये कोरोना की जो वैक्सीन है ये भाजपा की वैक्सीन है, अब अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो क्या वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। उन्होंने किस, देखिए बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो टीका लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सब ये वाक्य क्यों कहा था कि वो जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कोविड वैक्सीन को लाया गया जल्दबाजी में, जिस वजह से लाया गया, जिस कंपनी को लाया गया, उस वजह से उन्होंने कहा कि कम से कम जो एक पैमाना है, मानक है, जो और देशों में किया गया है,
अगर आप उसको कर लिए होते और एक महीना देर से ही जी, हम बाहरी देशों में अपनी वैक्सीन भेज रहे हैं, WHO से अप्रूव हुई है, बिना अप्रूव किए किसी देश में हम कनाडा में भेज रहे हैं, हम नेपाल में भेज रहे हैं, पाकिस्तान में भेज रहे हैं, केवल भारत में क्या कोई दूसरी वैक्सीन है? प्रियंका जी क्या किसी देश में कोविड का वैक्सीन लगने के बाद, दो दो डोज लगने के बाद क्या कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो व्यक्ति? क्या दो डोज लगने के बाद वो व्यक्ति की डेथ हुई है किसी और देश में? नहीं हुई है। ये जल्दबाजी में लाया हुआ कदम, उठाया हुआ कदम था, जिसको DJP का नाम दिया था बावाई के लिए, कभी भी डॉक्टरों की काबिलियत पे ट्रस्ट नहीं। ठीक है, वापस आते हो। पंचायत चुनाव पर ही हम बात कर रहे हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। मनीष हिंदवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनीष जी, यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर ही हम बात कर रहे हैं और सवाल एक ही है, सिर्फ एक सवाल है कि चुनाव बड़ा है या लोगों की जान? जी मनीष जी, हमने तमाम लोगों की राय सुन ली है। तमाम लोगों का यही कहना है कि लगातार कोशिश होनी चाहिए थी, रद्द होने चाहिए थे, लेकिन अब तो समय ऐसा हो गया कि कल चुनाव होगा, अब रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है, चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है। सवाल यही है कि चुनाव तो होगा और वो होना है, लेकिन क्या लोगों की जान से बड़ा है ये चुनाव? प्रियंका जी, अगर पंचायत उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पे मुझे एक लाइन कहना, अगर आप मौका दें तो मैं आपको बताऊं जी, ये पंचायत चुनाव क्यों हो रहा है और क्यों नहीं बंद हो सकता। जी आप अपनी बात रखें। जी से बात देखिए, उत्तर प्रदेश का पंचायत जल्दबाजी लिया, ये कोरोना का वेव मार्च महीने में आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर, दूसरा फेज, और महाराष्ट्र और दिल्ली में ये चीज दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे आदरणीय मोदी जी और शाह जी को भी देश में होने वाली है, क्योंकि बंगाल का चुनाव था, आसाम का चुनाव, तमिलनाडु, केरल, वो हार रहे हैं और उनको पता नहीं था कि बंगाल हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, अभी भी भ्रम में। सिर्फ इसलिए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को उन्होंने लाया और 2 मई को ही रिजल्ट निकलवाएंगे, ताकि अगर बंगाल कहीं हार जाए, आसाम कहीं हार जाए, तमिलनाडु हार जाए, तो उत्तर प्रदेश में 10-20-50 सीट मिल जाएगी, तो यहाँ टीवी पे बैठ के जो गोदी मीडिया बारबारी करेंगे और वो अपना बाबाई उठाएंगे। सिर्फ इसलिए पंचायत चुनाव को लाया गया, वरना ये पंचायत चुनाव या तो 4 महीने पहले हो गया होता या 6 महीने बाद हो जाती। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी जी या जितने भी डिप्टी CM है, कोई भी ये चुनाव था कि योगी चुनाव को कोई कैंसिल कर सकता है जी, और मान जी कर सकता है जी। इस पर जवाब लेते हैं अनीता जी से। अनीता जी जवाब दीजिए आप। जी अनीता जी जवाब दीजिए, ये चुनाव पहले भी हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे। देखिए चुनाव ये जब ये वैसे लेट हो रहे हैं, तभी विपक्षी दलों ने बोला था कि BJP सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, डर रही है, और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं इनको टाले जा सकते थे। सबसे बड़ी बात है ये विरोधियों का। अब ये बताइए मुझे, ये बताइए कल चुनाव होंगे, लोग आएंगे वोट डालने के लिए, लोग आएंगे वोट डालने। अनीता जी पहले मेरी बात सुनिए, कल चुनाव होंगे, लोग आएंगे वोट डालने के लिए, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना जो बढ़ रहा है लगातार, उससे लोग सुरक्षित होंगे, लोग मास्क लगाएंगे, लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे और लोगों की जान का खतरा नहीं होगा, कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था करेगा, अगर चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है तो, ये आप जान लीजिए चुनाव आयोग का अलग। जी जी आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच में कानपुर देहात से बड़ी खबर आ रही है, रसूलाबाद में कोरोना नियमों की उड़ रही है धज्जियां, प्रत्याशी द्वारा खुलेआम बंटवाई जा रही है शराब, प्रदेश के कई स्थानों से वायरल हो रहे हैं ऐसे ही वीडियो। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच चुनाव कराने पर उठ रहे हैं सवाल, लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, मौतों के बीच चुनाव कराने की जिद में अड़ा है चुनाव आयोग। और ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन्हीं तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, देख रहे हैं किस तरह से आप खुले आम शराब बांटी जा रही है, और आप भीड़ को देख सकते हैं, ना मास्क है, ना कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है यहाँ पर। इस तरह की भीड़ की यदि हम बात करेंगे तो कैसे रोका जाएगा कोरोना? ये तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज की दिखाना चाहूंगी।
एरो के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है, ये डिब्बा खुलता है यहाँ पर, ये बॉटल निकाली जाती है और ये यहाँ पर खुलेआम बांटी जा रही हैं। इससे पहले आज सुबह एक समाचार आया था जिसमें साड़ियों का जखीरा पकड़ा गया था, अब ये शराब की बात हो रही है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2021 की तस्वीर आप देख रहे हैं? ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहात के रसूलाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय। और ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन की ये तैयारियां हैं कल के चुनाव को लेकर। कल चुनाव होना है, तीसरे चरण का चुनाव है, दो चरण का चुनाव पहले ही हो चुका है, इस तरह होगा कल चुनाव, इस तरह से कल चुनाव कराया जाएगा। ये के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तमाम लोगों से मेरे साथ इतने एक्सपर्ट बैठे, तमाम लोगों से मेरा सवाल है, क्या आप मास्क देख पा रहे हैं किसी के मुंह पे? गिनती अगर करने बैठी जाए तो हजारों की संख्या में भीड़ यहां पर नजर आएगी। जो बांट रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, जो ले रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, और हो सकता है कि कल ये खबर आ जाए कि ये जहरीली शराब थी, इसको पीने से मर गए लोग। कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया है और इस वीडियो को देखने के बाद मैंने इंस्पेक्टर रसूलाबाद को निर्देशित किया है कि वह तत्काल इस प्रकरण में जो भी उक्त वीडियो में दिख रहा व्यक्ति है, जो भाषण दे रहा है बिना अनुमति के, सभा कर रहा है और उसमें कुछ पदार्थ बांट रहा है, उस संदर्भ में तत्काल वह अभियोग पंजीकृत करें, उस व्यक्ति का पता लगाएं वह कौन है और उसको तत्काल अरेस्ट करें। और चर्चा पे वापस लौटती हूँ, तस्वीरें जो हमने दिखाई है उसी को लेकर बात करेंगे। तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आऊंगी और बात करूंगी। अनीता जी, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, खुलेआम शराब बट रही है। प्रियंका जी, मैंने भी देखा है और आपको पता है, इसकी जांच होगी आपको समझ में आ जाएगा कौन सी पार्टी है काम कर रही है। ये आपको साफ साफ दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कौन सी पार्टी है सब कर रही है। जी बिल्कुल, हम भी जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी है। यही हम कह रहे हैं, ये आपको जांच आ गया, आपको कल समझ में आ जाएगा जांच आज ही इसकी लेकिन हो गई होगी। अभी एक घंटे के अंदर पता चल जाएगा आपको कि कौन सी पार्टी है जो ये सब काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना ये काम है ना सरकार का काम है, विपक्ष की पार्टियां हैं जो सामने सामने दिख रही है। ML वर्मा मेरे साथ चुनाव विश्लेषक, ML वर्मा मेरे साथ चुनाव विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। जी वर्मा जी, जी अनीता जी आपके पास आऊंगी। वर्मा जी, क्या कहना है ये तस्वीरें देख के आपका? देखिए, ये तो चुनावी प्रक्रिया में आता है, ये चुनाव आयोग को इस तरह से शराब बांटना नहीं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होती है अगर तो उस चुनाव को उनको रद्द कर देना चाहिए। ये तो उल्लंघन हुआ आचार संहिता का, निश्चित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है और एक बेहतर लोक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, तो ये निश्चित रूप से ये खराब व्यवस्था है और इस पर उस कैंडिडेट का वो निरस्त कर देना चाहिए था, उनकी प्रत्याशिता खत्म कर देनी चाहिए थी। पर ये जो स्थिति दिखाई पड़ती है, एक बार बाय द वे आपको दिखाई पड़ गई, एक ये लगभग प्रदेश के हर जगहों पे दिखाई पड़ती है, हर गांव में वो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। त्रिस्तरीय चुनाव में जो नियमों की धज्जियाँ उड़ती हैं वो अगर ग्राउंड लेवल पे देखिए तो बहुत खराब स्थिति है, पैसा बटता है। जी आज सुबह मैं बात कर रही थी, साड़ियों का जखीरा पकड़ा गया है जिस पर स्टिकर लगे हुए थे। शराब बटती है, पैसा बटता है, साड़ियां बटती हैं और जाने क्या क्या होता है, तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में खराबी स्थिति, जो खराब स्थिति है उसको सुधारने की जरूरत है और राज्य चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से इन सब मुद्दों को लेना चाहिए। जी आपके पास वापस आऊंगी। मनीष जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। इस तरह की बातें दबी जुबान से तो सबके मुंह पर रहती हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस तरह जब सामने आती हैं तब ये चौंकाने वाली तस्वीरें होती हैं। ऐसे में क्या किया जाएगा, क्या जवाब है यहाँ पर, क्या कहना है आपका ये तस्वीर देखकर? देखिए, ऐसा है कि तस्वीरों को देखकर आप ये कह सकती हैं कि जो जिसको आप दबी जबान कहती हैं वो खुलकर चीजें सामने हैं। प्रशासनिक तंत्र और पुलिसिया तंत्र फेल है, सिर्फ डराने और धमकाने के अलावा कुछ हो नहीं रहा।
अगर कोई सही बात कहता है तो सबसे आसान उसको डरा देना, लेकिन जो अव्यवस्था है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये चीजें स्पष्ट है एकदम। जी जी मनोज जी, मनोज जी आपने भी यहाँ पर तस्वीरें देखी हैं, क्या कहना है इस तस्वीर को लेकर? और कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि इस तरह की शराब जब धड़ल्ले से बेच दी जाती है, बांटी जाती है, तो इसको पीने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की जान भी चली जाती है। जी मनोज जी, मनोज जी, अनिल जी आपके पास आऊंगी मैं। अनिल जी आपने ये तस्वीरें देखी हैं, धड़ल्ले से शराब बांटी जा रही है और कोविड गाइडलाइंस के नियमों को तो आप भूल ही जाइए, एक भी व्यक्ति वहां पर मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहा, क्या कहना है आपका? अनिल जी आपसे सवाल है मेरा। जी कोविड सिर्फ, जी जी प्रियंका जी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, कोविड गाइडलाइन सिर्फ आम आदमी के लिए, हमारे जैसे नौकरी पैसे के लिए है, आप जैसे पत्रकारों के लिए है कि आप सिंगल अगर अकेले गाड़ी ड्राइव करके चल रही है कार के अंदर तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी की सरकार में पुलिस आपसे जुर्माना लेगी। कोविड का गाइडलाइन किसी चुनावी रैली भाषण रैली में है ना, चुनाव प्रत्याशी के लिए है ना, किसी भाषण देने वाले नेता के लिए है, तो इस पे बात करना हमें नहीं लगता कि कोई जोड़ी है। सबको मालूम है कोविड चल रहा है, भयावह रूप है, लेकिन उसके बावजूद भी जिगर लगा के जबरदस्ती ये लोग भीड़ इकट्ठा किए हुआ है और उसके बाद ऊपर से शराब बांटना जो एक नियायत कानूनी जुर्म है कि आप किसी भी चुनाव पर, चुनाव से पहले, कल चुनाव होने वाला और आज आप लालच देके किसी को शराब पिला रहे, कल को आपने सही कहा कि कल को हो सकता है जहरीली शराब हो, 10-20-50 लोग भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए, इस पे सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार को एक प्रकार चुनाव जीतना, हर साल सरकार निकल गए, पांचवा साल में 6 महीने तक सरकार चले, उसके बाद चुनाव मोड में आ जाए, अपने लिए प्रतिष्ठा का विषय बना रखे हैं योगी जी और मोदी जी कि जिला पंचायत में अधिक से अधिक एनकेन सारे सीट जीत पाओ और उसके बाद ताकि हम कह सकें कि देखो हमने जो है सीट जीता। जी बिल्कुल जी, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर करना चाहूंगी, मुझे समय का इशारा मिल चुका है, साथ ही साथ ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एमएल वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष हिंदवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने और हमारे सामने सवाल फिर से वही मुंह बाए खड़ा हुआ है कि चाहे माननीय कोर्ट की बात करें या चुनाव आयोग की बात करें, सवाल बड़ा है कि चुनाव बड़ा या जनता, इसका जवाब फिलहाल आज की चर्चा में मुझे मिल नहीं पाया और मेरा सवाल ये लगातार बना रहेगा क्योंकि मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो हम आज जिस साल में जी रहे हैं 2021 की जब हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा साल है कि हम सदियों तक अपने जीवन में इस साल को याद रखेंगे, कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव हम कभी नहीं याद रखेंगे, बंगाल के चुनाव भी नहीं याद रखेंगे हम, असम पुडुचेरी केंद्र के चुनाव हम तमाम सब कुछ भूल जाएंगे, ये होता आ रहा है जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, लेकिन कोरोना की ये 2021-2020 हम अपनी जिंदगियों में हमेशा याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी हम बताएंगे, अगले 100 साल बाद 200 साल बाद जब भी जिक्र आएगा तब 2021-22 का जिक्र आएगा कि इतने लोग ने अपनी जान गंवाई थी, इस तरह की महामारी आई थी, उस समय पंचायत चुनाव का जिक्र नहीं होगा, उस समय कोरोना का जिक्र होगा। ये गंभीरता हर किसी को निभानी चाहिए थी, हर किसी को सोचनी चाहिए थी। फिलहाल मेरा सवाल वही का वही है, देखना ये होगा कि क्या इस पे कुछ होता है। आज की चर्चा में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ, नमस्कार।